वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड, आप कैसे हैं? उम्मीद आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं सोच रहा था एक वीडियो बनाऊं, तो वीडियो बनाते समय तो ज़्यादा हो गया, फिर भी एक छोटी सी कोशिश किया था वीडियो बनाने के लिए। रात ज़्यादा हो चुकी है, फिर भी मैं सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो बना दूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं आज सारा दिन बहुत काम किया, काम कर करके जब थोड़ा खाने का समय हुआ, लंच हुआ, तो उसने बोल दिया कि ऐसा है, सब कुछ बना के रेडी रखो, आधा आदमी आएंगे। तो मैंने सारा चीज़ बना के रखा था, उसके बाद में खाली मेन जो हमारा उठी है मुदीर, वही आया, बाकी लोग आए ही नहीं। जितना बना था सब सारा का सारा वैसे ही रखा रह गया। उसने इंतज़ार बहुत किया, नहीं लोग आए तो बोला ऐसा है ना, ले जाओ तुम लोग खाओ पियो ऐस करो। उसके बाद में ऐसा है कि वो चला गया। एक कह के चला गया, मैंने थोड़ा इंतज़ार किया, इंतज़ार करने के बाद में नहीं कोई आया, तो मैं भी जो लेना था लिया, नहीं जो दिया उसको साइड में रख दिया। साइड में रख के उसके बाद चला आया, अपना धोया धाया सब कुछ किया, उसके बाद आप समझ सकते हो फ्रेंड। डेली का यही काम रहता है, 12-1 बजे तक जागना है, फिर सुबह 7, 6:30, 7, 6:30, 6 बजे उठकर फिर बनाना है। गाँव चाय बना के रेडी रहता हूँ, उसके बाद में आता है, पीता है, फिर चले जाता है। तो जितने ड्राइवर लोग हैं वही लोग आते हैं, पीते रहते हैं और खाते पीते वही रहते हैं। उन लोग का मर्जी होता है, जब आते हैं खाते हैं पीते हैं। मैं ही बना के रख देता हूँ, तो बोलता हूँ खाओ पियो ऐसा, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड क्या बताऊँ, सोचते सोचते दिमाग का दही हो जाता है, जोर से बोल नहीं सकता, किसी को अपना फरियाद सुना नहीं सकता। ये आप लोग का सहारा है, थोड़ा सा समय मिलता है तो इसमें भी जोर से बोल नहीं सकता, कस की आवाज़ निकाल नहीं सकता। कस की आवाज़ निकालने का मतलब कोई ना कोई आके आ जाएगा, चेकअप कर देता है क्या कर रहा है। और वीडियो बनाने के लिए आपको चाहिए ना दो आदमी होना चाहिए, एक कैमरा मैन होना चाहिए, एक बोलने वाला होना चाहिए, सब जगह सही है। अब वीडियो जहाँ तक हो सके वहाँ तक, चौराहे पर, कहीं और अच्छी जगह, कहीं पेड़ों के बीच में, तो कहीं ऐसी जगह बनाओ जहाँ एकदम सुनसान हो, अपनी दिल की बात कह सकते हो। ऐसे जब वहाँ पर रहता है तो कितना अच्छा लगता है, बताते हम घर खाता में रहते हैं, घर में रहते हैं, जब सब लोग शांत हो जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं, थोड़ा समय मिलता है तो उसको बोलता हूँ चलो सब बनाता है। नहीं, एक छोटी कहानी है, घर का काम करना रहता है, साफ सफाई करना रहता है, दाग धब्बा छुड़ाना रहता है, ऐसे ही देख के सारा काम कर लेता हूँ। करने के बाद में समय मिलता है तो सोचता हूँ चलो एक वीडियो बनाता हूँ, तो वही वीडियो बना के उस पर डालता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। गरीब आदमी का भला हो जाएगा, ब्लॉग का नाम तो, ब्लॉग का नाम तो रखा हूँ माई फैमिली ब्लॉग वीडियो। तो उम्मीद है आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। आप नहीं हमारा मदद करेंगे तो कौन करेगा, आप ही लोगों से तो उम्मीद है। आपने पता नहीं कितने करोड़ों लोग का मदद किया है, कोई अच्छा होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई शानदार होता है, कोई ज़बरदस्त होता है, तो कोई तो ऐसा ही होता है मेरे जैसा। मेरे गांव वाले जब मेरा वीडियो देखते होंगे तो वही बोलते होंगे फला आदमी वीडियो बना रहा है, इसके चैनल पर ना कोई लाइक है ना कोई सब्सक्राइब है, और उसकी वीडियो बनाते रहता है। तो आप लोग ऐसे मत करिए, आप लोग हमारा वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो लोग सोच रहे हैं हमारा वीडियो नहीं चल सकता है,
तो सोचने पर मजबूर हो जाए कहाँ इसका भी बिजली चलता है। वीडियो बनाने में बहुत दिमाग चाहिए, बोलने का अंदाज चाहिए, टैलेंट चाहिए, जो कि हमारे में अभी कुछ भी नहीं है। वैसे तो पीछे सब कोई बोल सकता है, मेरे ख्याल से हर कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, और जब कैमरा लगा के जब बोलना पड़ता है ना तो सारा बोलती बंद हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये हुनर बहुत बड़ा है, सबको नहीं कैमरा के सामने बोलने आता है दोस्त। कैमरा के पीछे तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरती है, जब कैमरा के सामने आदमी बोलना पड़ता है ना तो उसका दिमाग कद्दा ही हो जाता है, और जब एक बार कैमरे के सामने खुल जाता है तो सबकी बोलती बंद कर देता है। तो मेरा आप लोग मदद करिए, मेरा सपोर्ट करिए, मेरी टूटी फूटी जो भी अल्फाज है इसे सहिए, बर्दाश्त कीजिए, और छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दीजिए। मेरे यहाँ पर देख रहे हो ना एक थोड़ा सा उठा हुआ है, तो ये 22 तारीख तक हो सकता है मैं जाऊँ हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर बोलेगा इसको चीर के निकालना है, लिपोमा साइड हुआ, इसके लिए खर्चा लगेगा, और बाल छोटा इसलिए करा लिया कि मतलब बाल मेरे बहुत झड़ रहे थे, इसके लिए सोचा फ्रेंड बाल मैं छोटा करा लेता हूँ तो सही रहेगा, तो छोटा करा लिया, इसको बढ़ने में भी 2 महीना 1.5 महीना जो भी लगेगा लगेगा। वैसे आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, हमारे गांव वाले कितने देख रहे हैं, हमारे दोस्त कितने लोग देख रहे हैं, हमारे जान पहचान वाले कितने देख रहे हैं, बाबू भैया दीदी लोग कितना देख रही हैं। वीडियो बनाना हर किसी का बात पता दोस्तों, सब कोई वीडियो बना सकता है। जब मेरा वीडियो बना हुआ अगर जो लोग देखते होंगे तो बोलते होंगे अरे ये आदमी वीडियो बना रहा है, इसका वीडियो कैसा है, किसी लायक नहीं है ना। कोई आदमी जब अपनी वीडियो बनाता है तब पता चलता है हाँ वीडियो में किस लायक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तब उसको पता चलता होगा। विदेश की ज़िंदगी ऐसी होती है, डर डर के जीना पड़ता है, रो के भी हंसना पड़ता है। ये अगर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत साहस करके बना रहा हूँ, बहुत टाइम निकाल के बना रहा हूँ, ना मुझे कुछ आता है अभी बनाने आता है, ना कुछ जो भी होता है मैं बना के डालता हूँ, इसलिए कि आप लोग देखें, आप लोग खुश हैं, आप लोग जनता जनार्दन है, आप जिसे चाहें उसे बना सकते हैं, जिसे चाहें उसे गिरा सकते हैं, ये सब आपके हाथ में है। एकदम समझ लीजिए कि प्रधानी वाला हाथ, जिसे चाहे हीरो बना दिया, जिसे चाहे जीरो बना दिया, जिसके पास हाई क्वालिटी का कंटेक्ट रहता है उसको तो आदमी बार बार देखता ही है, पर जो गंवार रहता है उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो गंवार एक दिन होशियार हो जाता है, क्योंकि दर दर की ठोकरें खा के आदमी सीखता है। अगर ये सब कुछ किताब से सीख लेता तो निजी ज़िंदगी में उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठोकर खा के जो इंसान सीखता है वो बहुत बेहतर होता है, मरते दम तक वो सीधा रहता है, हर तरीका अपना फ़ायदा नुकसान सब जानता है, उसको पता हो जाता है कि ज़िंदगी कैसे जिया जाता है, लोगों के साथ कैसा रहा जाता है, बात क्या करते हैं और कहते क्या हैं, करते क्या हैं, समझते क्या हैं, समझाते क्या हैं, क्या सही है क्या गलत है, सब उनको पता हो जाता है। छोटों के साथ कैसे बात करना चाहिए, बड़े के साथ क्या करना चाहिए, अपने साथ कैसे रहना चाहिए, और एक बात सीख जाते हैं कि सबका साथ दो पर जो करना वो करते रहो, जब तुम सबके साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा, ये इनके दिल में ज़्यादा बैठ जाता है, बहुत पसंद करते हैं लोग। अब वही आदमी अगर जो कुछ बोलता है तो दूसरा वाला बोलता है यार इतना समझदार नहीं था, कैसे इतना समझदार हो गया,
हालांकि उनको नहीं पता होता है कि बंदा ने कितना ठोकर खाया है तब जाके सीधा हुआ है। लोग ने इसके सराफा के कितना मजाक उड़ाए हैं, इसे बोलते होंगे बड़ा ऐसा है बड़ा वैसा है। ये सब सुन सुन के आज बड़ा होशियार हो गया, बोलते हैं लोग बहुत अच्छा है, काफ़ी समझदार है, इससे सीख लेना चाहिए। मेरा वीडियो कोई भी कहानी होती है दोस्त, कहीं का कहानी कहीं हो जाता है, इसके लिए माफ़ करना, सुनना, एडजस्ट करना। अब कोशिश करेंगे कोई ना कोई कहानी पर बोलूं और बोल के वीडियो बनाऊं, ऐसा ही करूंगा। अपने निजी ज़िंदगी में जो करूंगा वही बताऊंगा, जो नहीं करूंगा वही बताऊंगा। तो आप लोग सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, उम्मीद है आप हमको नाउम्मीद नहीं करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।